एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें इस मिंजा गर्ल को दिखाया जाता है जो कि बोल नहीं रहती है कि वो ट्रैवल कर रही है अपने साथियों को बचाने के लिए जिन्हें कि ह्यूमंस ने पकड़ रखा है। लेकिन जब वो दियांतो के टाउन में पहुंची तब वो एक स्ट्रेंज ह्यूमन से मिली जिसके अंदर से काफी अलग ही स्मेल आ रही थी। वो आम इंसानों की तरह नहीं था, वो सबसे अलग स्मेल कर रहा था। साथ ही में उसने पहली बार एक ऐसे ह्यूमन को देखा जिसके पास एक स्पिरिट क्रिएचर था। लेकिन साथ ही में वो फिर से एक और बार आर्क से मिल पाई। फिर वो मिंजा आर्क से बातें करने लगती है तो फिर आर्याना पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो मिंजा बताती है कि उसका नाम चियोमे है। आगे चियोमे अपने क्लैन के बारे में बताने लगती है। आर्क उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है इसकी सारी बातों को अगर एक साथ कहा जाए तो ये शिनोबी होगा। चियोमे तभी कहती है कि आगे की बात करने के लिए क्यों ना हम लोग कहीं और चलें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे पहुंच चुके थे बात करने के लिए। आर्क तभी चियोमे को देख करके सोच रहा था कि ये एक सच की मिंजा है, एक फरी हेयर्ड मिंजा। और इसी के साथ आर्क काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हुए जा रहा था इसलिए वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेता है। चियोमे तभी आर्क से पूछती है कि उसने दियांतो के अंदर उसे मिंजा क्यों कहा था। आर्क अपने मन में सोच रहा रहता है कि वो पूरी तरीके से मिंजा दिखती है इसलिए उसे मिंजा कहा था उसने। लेकिन वो ये बात तो चियोमे को नहीं बोल सकता था इसलिए वो कहता है कि चियोमे जिस तरीके का कपड़ा उस समय पहनी थी उसे सिर्फ और सिर्फ मिंजा पहनते हैं। चियोमे बताती है कि तुम भी उसी सेम कंट्री से आए होगे जहाँ से हमारे ग्रेट फाउंडर आए थे, क्योंकि तभी तुम मिंजा के बारे में जान सकते हो क्योंकि किसी को भी मिंजा शब्द के बारे में नहीं पता। आर्क पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रेट फाउंडर अभी भी जिंदा हैं? चियोमे कहती है कि नहीं, वो 600 साल पहले जिंदा थे। आर्क तभी सोचता है कि क्या 600 साल पहले कोई जापानी आदमी यहाँ पे आया था। आर्याना तभी पूछती है चियोमे से कि तुम अभी आर्क से क्या कहने वाली थी। चियोमे तभी आर्क से कहने लगती है कि वो आर्क की मदद चाहती है अपने साथियों को बचाने में और वो पेमेंट के तौर पे ये बता सकती है कि उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए उन एल्फ ट्रेडर को ढूंढने के लिए जिन्हें कि वो लोग काफी समय से ढूंढ रहे हैं। आर्याना चियोमे की बात को समझ जाती है क्योंकि एल्फ को भी पकड़ा जाता है इसलिए वो चियोमे से कहती है कि वो लोग उसकी मदद कराएंगे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है डार्करेस को जो कि कह रहा रहता है कि किसी ने सारी रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिटियन तभी बताता है कि हॉन्टेड वुल्फ्स ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। डार्करेस तभी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यूरियाना भी जिंदा होगी। सिटियन कहता है कि पता नहीं लेकिन हम लोग अभी उसे ढूंढ रहे हैं। डार्करेस चिंता में रहता है कि कहीं यूरियाना पहुंच ना जाए एल्फ्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। आगे डार्करेस सिटियन को कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा। सिटियन कहता है डार्करेस से कि उसके पास एक सीक्रेट घर है जिसे कि सीक्रेट रखा गया है इसीलिए अगर डार्करेस चाहे तो फिर वो जा सकता है वहाँ पे छुपने के लिए किसी भी समय। डार्करेस वहाँ से चला जाता है उस जगह पे छुपने के लिए। अगले सीन में हम लोगों को चियोमे दिखाई जाती है जो कि आर्क और आर्याना को लेकर के एक जगह पे पहुंचती है और कहती है कि यहीं पे उसके साथियों को बंदी बना के रखा गया है। चियोमे ये भी बताती है कि ये लार्जेस्ट स्लेव मार्केट है पूरे के पूरे कैपिटल में। हम लोगों को स्लेव मार्केट के अंदर काफी सारे बीस्ट मैन को दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ मरे हुए भी थे। चियोमे उन दोनों को बता रही रहती है कि वो लोग सभी को कैसे बचाएंगे लेकिन चियोमे का प्लान काफी ज्यादा ही मुश्किल था। तो फिर आर्क बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। चियोमे कहने लगती है टेलीपोर्टेशन मैजिक को स्पेस टाइम निंजुत्सु और वो ये भी बताती है कि उनके ग्रेट फाउंडर भी स्पेस टाइम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते थे जिसकी मदद से वो काफी लंबी लंबी दूरियां तय कर पाते थे। फिर चियोमे आर्क से कहती है कि वो अपने कॉमरेड्स को बता देगी कि उनके प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं और रात के वक्त पे उन लोगों को अटैक करना है इसलिए वो लोग तैयार रहे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है रात हो गई रहती है और वहाँ पे आर्क तैयार हो रहता है क्योंकि उसने कुछ चीजें खरीदी थी। आर्यन उसे देख करके कहती है कि तुम्हें जरूर किसी ने ठग दिया है ये सारी चीजें बेच करके। आर्क को ये बात सुन करके काफी बड़ा शौक लगता है और वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। ये बात वो पोंटा से पूछता है लेकिन पोंटा काफी ज्यादा ही डर जाता है। आर्क पोंटा का ये रिएक्शन देख करके काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और एकदम सदमे में चला जाता है। तभी वहाँ पे चियोमे आती है और उसके साथ उसका एक साथी भी आया था जिसका नाम था गोएमोन। वो भी चियोमे की तरह ही जिनशिन क्लैन के 6 मिंजास में से एक था। गोएमोन तभी आर्क के पास जाता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हंसने लगते हैं।
आर्याना और चियो में तभी प्लान बनाते हैं कि वो लोग पीछे से जाएंगे और गोएमोन और आर्क सामने से जा करके सभी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। गोएमोन और आर्क सामने के गेट की तरफ से जा रहे थे तभी गोएमोन वॉल स्मैशर का इस्तेमाल करके दीवार तोड़ देता है दरवाजे के साथ। सभी गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। आर्क भी सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर चुका था और सभी को हरा रहा था। गोएमोन तभी रॉक स्पीयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से काफी सारी जमीन के अंदर से स्पाइक निकलती हैं। आर्क तभी रॉक फैंग का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से गोएमोन के अटैक के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और उनका अटैक काफी ताकतवर हो जाता है पहले से भी। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है चियो में आर्याना और पोंटा पीछे से जा रहे रहते हैं क्योंकि सारे के सारे गार्ड्स का ध्यान अभी इस समय आर्क और गोएमोन की तरफ था। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है।